गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 12 प्रकरण में है वाचक। आज हम वाचक के बारे में पढ़ेंगे। वाचक क्या होता है, वाक्य में ऐसा क्या सब्जेक्ट है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाच्य है। तो मैंने उदाहरण दिए हैं 3, जैसे भालू नाचता है और गेंद बच्चों द्वारा खेली गई रिया से कूदा नहीं जाता। तो सबसे पहले ध्यान दो, हमने लिखा यहाँ पे भालू नाचता है, तो यहां पर नाचना क्या है, क्रिया है। नाचना क्या हो गया, क्रिया हो गई, और भालू क्या हो गया, कर्ता हो गया। कहने का मतलब क्या है, क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। देखो भालू नाचता है, कर्म तो कोई है ही नहीं, अगर कर्म होता तो तब जाके क्या होता, यहां पर कर्म प्रधानता होती। लेकिन यहां पर जो क्रिया है वो क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ रहा है, भालू पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता पे पड़ रहा है। इसके बाद गेंद बच्चों द्वारा खेली गई, खेली गई क्या है, क्रिया है, खेली गई क्या है, क्रिया है। और बच्चों द्वारा, देखो गेंद बच्चों द्वारा, गेंद सब्जेक्ट हो जाएगा, बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे कर्म हो जाएगा। किसके द्वारा खेली जा रही है, बच्चों के द्वारा खेली जा रही है, तो क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तीसरा है रिया से कूदा नहीं जाता, तो यहां पर क्रिया है जाता, कर्म है नहीं, तो यहां पर सीधा क्या हो जाएगा, क्रिया का फल ना तो कर्म पे पड़ेगा और ना ही कर्ता पे पड़ेगा अर्थात सब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, ना तो कर्म की प्रधानता होगी और ना कर्ता की प्रधानता होगी, इसलिए यहां पर क्या है, ये वाक्य क्या है, नकारात्मक शब्द से होगा, नेगेटिव शब्द में होगा और ये भाववाचक उसमें। अब हमने इसको परिभाषा सीधा इसी के द्वारा बनानी है कि क्रिया के रूप को वाचक कहते हैं या क्रिया के उस रूप, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, क्रिया के उस रूप को वाचक कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कार्य का प्रमुख विषय। अभी हमने उदाहरण में का प्रमुख विषय यहां पर कर्ता था, देखो कर्ता आएगा, दूसरा कर्म आएगा, यहां पर कर्म था, और तीसरा क्या है, यहां पर भाव है। तो भाव के अनुसार, इन तीनों के अनुसार जहां जहां मुख्य विषय होगा वहां पर वाचक। अब हम इसके प्रकार समझेंगे, तो प्रकार समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको बताया सेम उसी प्रकार, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही याद करने की ऐसी जरूरत है कि इसमें क्या करना है। अभी मैंने परिभाषा कही है, परिभाषा में सबसे पहले मुख्य विषय क्या रखा था, कर्ता। तो कर्ता के अनुसार सबसे पहले वाच्य के प्रकार क्या होंगे, वाच्य के लिखेंगे आप 3 प्रकार, वाचक के 3 प्रकार। सबसे पहले क्या है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाचक का मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कर्ता, क्या लिख सकते हैं, कर्ता, मतलब मुख्य विषय क्या होगा, कर्ता। दूसरा वाच्य हमने लिखा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, यहां पर विषय क्या होगा, कर्म, विषय क्या होगा, कर्म। तीसरा क्या लिखा हमने, भाव, भाव की प्रधानता हो रही है तो भाववाच्य हो रहा है, भाववाच्य, यहां पर भाव की प्रधानता। ऐसे आप याद कर सकते हैं, हमने परिभाषा में देखा ना, जहां पर क्या मुख्य विषय कर्ता हो रहा था, कर्म हो रहा था और भाव हो रहा था, उसी के हमने सीधे तीनों पार्ट बना दिए, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। याद करने की ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको इसी के अनुसार इसको याद करना, परिभाषा भी ऐसी बनेगी। अब हमें बात करनी है कि कर्ता, कर्तृवाच्य मतलब कर्ता जो है वो, उसकी परिभाषा होती क्या है। ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती किसमें, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे से ही कुछ बताया जाता है, ताकि क्या है, कर्ता का या क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्ता से होगा, और कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होगा। जैसे हमने लिखा था, पहले उदाहरण हमने लिखा था मोहन, यहां पे ऐसे लिखते हैं, मोहन नाचता है, मोहन नाचता है, हमने ऐसा लिखा। अब यहां पर देखो, यहां क्या हो रहा है, नाचना क्या है, यहां पर नाचना जो है वो क्या है, क्रिया है,
नाचना क्या है? क्रिया। यहाँ पे ध्यान देंगे, नाचना क्या हो जाएगा? क्रिया। और इस क्रिया का सीधा संबंध किससे हो रहा है? मोहन से। मोहन क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। तो जहां क्रिया का सीधा फल किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े, वहां पर कर्तृवाचक। दूसरा जो उदाहरण है, दूसरा जो इसका प्रकार है, कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या होता है? ऐसे वाक्यों में क्रम की प्रधानता होती है, ऐसे वाक्यों में क्रम की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध किससे होगा? कर्म से होगा। अभी हमने बताया, यहाँ पे लिखा मोहन, मैं इसी उदाहरण को चलाते जाऊंगा, मोहन के द्वारा देखो नाचा जाता है, ऐसे उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिखूंगा मैं, लेकिन यहां पर हमने नाचना का, नाचना वाला पहले लिखा, तो अब क्या है? देखो मोहन के द्वारा नाचा जाता, जाना क्या हो गया? क्रिया। अभी क्या हो गया? जाना क्या हो गया? यहां पर जाता क्रिया हो गई, और नाचना क्या हो गया? कर्म हो गया। अभी तो नहीं था ना ऊपर, अभी तो नाचना क्या था? केवल क्रिया थी, लेकिन हमने क्या बनाया यहाँ पर? देख मोहन के द्वारा नाचा जाता है, तो जाना जाता जो है यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, और नाचा जो है वो क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, और मोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अगर इस क्रिया का फल इस पे पड़ता तो सीधा ऊपर फर्स्ट वाला उदाहरण बन जाता, लेकिन यहाँ क्रिया का फल सीधा कर्म पे पड़ रहा है तो कर्मवाचक होगा। तीसरा उदाहरण, तीसरा जो प्रकार है भाववाचक का, ऐसे वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, और भाववाच्य हमेशा आक्रमक क्रिया होगी। आपने इससे पहले क्रिया पढ़ी होगी, सकर्मक क्रिया और आक्रमक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, और आ मतलब नहीं, जिसमें कर्म न हो उसे आक्रमक क्रिया कहते हैं। वैसे भाववाच्य में यहाँ पर क्या है? आक्रमक होगा, अर्थात कर्म नहीं होगा। इसमें न तो कर्ता के अनुसार न क्रिया के अनुसार, अपितु तो एक वचन पुलिंग और अन्य पुरुष में रहती है जो इसकी क्रिया होगी। साथ ही प्राय निषेधार्थक मतलब नकारात्मक नेगेटिव चिन्ह ध्यान रखना वाक्य में ही भाववाचक प्रयुक्त होगा। जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ पे लिख तो मैं वही लिखूंगा उदाहरण, मोहन से नाचा नहीं जाता, एक ही में उदाहरण बना दिया मैंने। अब देखो जाता क्या, मैंने यहां पर ऊपर भी लिखा था क्या है? क्रिया है, जाता क्रिया है। अब मोहन से जब नाचा नहीं जाता तो नाचना जो, नाचा जो हमने यहां पर लिखा था कर्म, कर्म तो नहीं होगा ना, जब वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, जब नाच ही नहीं रहा हो तो कर्म कहां से होगा? इसलिए यहां पर क्या है? भाव की प्रधानता होगी, कर्म की भी नहीं होगी, और ना मोहन मतलब कर्ता की होगी, ना तो कर्ता का फल ना कर्म का फल, क्रिया पे कुछ नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे दूसरी बात क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ हमेशा से आएगा जरूर, यहाँ पे ध्यान रखना भाववाचक साथ। वैसे यहाँ भी आ सकता है मोहन से नाचा जाता है, यहाँ भी से आएगा, लेकिन यहाँ से के साथ हमेशा नेगेटिव चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ नेगेटिव चिन्ह नहीं आएगा, कर्तृवाचक में नेगेटिव चिन्ह आ सकता है, लेकिन यहाँ से और के नहीं आएगा, से और के द्वारा नहीं आएगा, मतलब साधन नहीं आएगा, और यहाँ पर से मतलब कारण नहीं आएगा, साधन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कारण जो कर्ता ने कर्म को कारण से, जो तीसरा जो कारक है, तीसरे कारक में विभक्ति से और के द्वारा जो चिन्ह होगी वो इन दोनों में लागू होगी, किसमें? कर्मवाचक में और भाववाचक में। लेकिन भाववाचक में हमेशा से के साथ नेगेटिव आएगा, और यहाँ के द्वारा या से के साथ नेगेटिव चिन्ह नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा वाच्य परिवर्तन बता देते हैं आपको, वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा वाच्य परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आता है कि कर्तृवाचक को कर्मवाचक में बदलो, तब कैसे करोगे? यहाँ भी ध्यान देना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर एक वाच्य परिवर्तन, मतलब अगर कोई वाक्य आपके पास आ गया तो उस वाक्य को कैसे आपने कर्मवाचक में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक शिकारी, शिकारी शिकार करते हैं, शिकारी शिकार करते
हैं, शिकारी शिकार करते हैं, ये कौन सा वाक्य है बोलो? शिकारी शिकार करते, शिकार करना क्या हो गया? क्रिया होगी, और क्रिया का फल सीधा किस पे पड़ रहा है? शिकारी, शिकारी पे पड़ रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये कर्तृवाचक। अब अगर ऐसा आता कि कर्तृवाचक को कर्मवाचक में बदलो, कैसे बदलेंगे आप? ऐसे आएगा आपके पास, इस कर्तृवाचक को किस में बदलो? कर्मवाचक में बदलो, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पे लिखेंगे शिकारी शिकारियों, शिकारियों शिकारियों के द्वारा, शिकारियों द्वारा शिकार शिकार किया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया हमने? शिकारियों, शिकारी, देखो यहां पे शिकारियों द्वारा, के द्वारा, कौन सा? कारण, कारण कारक का, ठीक है? या शिकारियों के द्वारा भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं शिकारियों द्वारा, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। अब शिकार क्या बना यहां पर? क्या बना? कारण बना, और जाता क्या बना यहां पर? क्रिया बना, मतलब ये सब्जेक्ट इसने छोड़ दिया, कर्ता छोड़ दिया, ठीक है? कब छोड़ा? जब हमने कौन सी विभक्ति का चिन्ह लगाया यहां पर? तृतीय विभक्ति, अर्थात कारण कारक का जो चिन्ह है वो लगाया। वैसे अगर हम इसको भाववाचक में बदले, ऐसा भी तो आएगा, अभी हमने लिखा, अगर इसको भाववाचक में बदलना है तो कैसे बदलना है ध्यान रखना। वैसे लिखा है शिकारियों द्वारा, शिकारियों, शिकारियों से, ऐसा लिख सकते हैं, शिकारियों से शिकार नहीं किया जाता। देखो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यहां आपने क्या करा? के द्वारा, लेकिन नेगेटिव नहीं लगाया, भाववाचक में क्या किया? शिकारियों से शिकार नहीं किया जाता। से के साथ कौन सी विभक्ति लगाई? तृतीय विभक्ति, यानी सॉरी, से जो तृतीय विभक्ति उसके साथ नकारात्मक अर्थात निषेधात्मक या नेगेटिव चिन्ह उसका प्रयोग किया, तो भाववाचक, समझ में आएगा? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम क्या है, कर्तृवाचक को कर्मवाचक में और कर्मवाचक को भाववाचक में बदल सकते हैं, ठीक है? और इसकी जो हम पीडीएफ जो है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है, इसको हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। और आशा करता हूँ कि आपने जो अभी वाचक, जो मैंने परिभाषा बताई, उदाहरण बताए उसके, या फिर मैंने उसके प्रकार बताए, उसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसको आप समझ सकते हैं और अच्छी तरह से इसको आप घर पे एक बार दोबारा देखेंगे।